दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने सभी वैश्विक नेताओं को भारत की धरती पर स्वागत किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत दुनिया से वैश्विक विश्वास की कमी को विश्वास और निर्भरता में बदलने का आह्वान करता है। यह हम सभी के लिए एक साथ आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता देश के अंदर और बाहर दोनों जगह समावेशन आपका साथ का प्रतीक बन गई है। यह भारत के लोगों का G20 बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी दुनिया को नई दिशा दिखाने का महत्वपूर्ण समय है। यह वह समय है जब पुरानी समस्याएं हमसे नए समाधान तलाश रही हैं, और इसलिए हमें मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम COVID-19 को हरा सकते हैं तो हम युद्ध के कारण उत्पन्न विश्वास की कमी पर भी विजय पा सकते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है। सम्मेलन के पहले दिन शनिवार को नई दिल्ली G20 साझा घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई। समिट के दूसरे सेशन में पीएम मोदी ने इस बारे में घोषणा करते हुए G20 शेरपाओं, मंत्रियों और सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि एक खुशखबरी मिली है कि हमारी टीम के कठिन परिश्रम और आपके सहयोग से G20 लीडर्स समिट के डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि लीडर्स डिक्लेरेशन को भी अपनाया जाए। मैं भी इस डिक्लेरेशन को अपनाने की घोषणा करता हूँ। राजधानी दिल्ली में जारी G20 शिखर सम्मेलन का पहला सत्र पूरा हो गया है। इसके बाद पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को और गहरा करने और व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाने पर जोर दिया। वही वार्ता को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि हमने व्यापार संबंधों को गहरा करने और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। भारत और UK एक समृद्ध और टिकाऊ ग्रह के लिए काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के PM फुमियो किशिदा ने दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने पर चर्चा की। इसके अलावा कनेक्टिविटी, वाणिज्य और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर भी दोनों देश इच्छुक दिखे। वहीं इस वार्ता में भारत की G20 प्रेसिडेंसी और जापान की G7 प्रेसिडेंसी के दौरान कवर की गई जमीनों को भी दोनों देशों ने जायजा लिया। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने सभी वैश्विक नेताओं का भारत की धरती पर स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी ने अफ्रीकी यूनियन के आधिकारिक रूप से G20 ग्रुप में शामिल होने की घोषणा भी की। यूनियन के अध्यक्ष को गले लगाकर उन्होंने बधाई दी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के सदस्य देशों के नेताओं को जून में ही इस आशय का अनुरोध पत्र भेजा था। अफ्रीकन यूनियन को यूरोपियन यूनियन के तर्ज पर सदस्य का दर्जा हासिल होगा। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें दोनों नेताओं की ओर से सेमीकंडक्टर की ग्लोबल सप्लाई चेन को लचीला बनाने के लिए, माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भारत में बढ़ाने के लिए $300 मिलियन के विस्तार पर समर्थन व्यक्त किया गया। साथ ही $400 मिलियन का निवेश अगले 5 साल में रिसर्च, डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग ऑपरेशन के लिए एडवांस माइक्रो डिवाइस की ओर से किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें भारत आकर खुशी हुई है। भारत की मेजबानी पर उन्होंने कहा कि भारत G20 की मेजबानी के लिए सही समय पर सही देश है। इसके साथ ही भारत की वसुधैव कुटुंबकम थीम की भी तारीफ की। वहीं अलगाववाद के मुद्दे पर सुनक ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि UK में भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार का उग्रवाद या हिंसा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए हम विशेष रूप से अलगाववाद समर्थक उग्रवाद से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जल्द ही हम इस तरह के हिंसक उग्रवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के मामले में राज्य के आपराधिक जांच विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया है, जिसमें 250 करोड़ रुपए से अधिक घोटाले का आरोप है। मोरक्को में शुक्रवार देर रात जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पैमाने पर 6.8 मापी गई। मोरक्को के गृह मंत्रालय ने बताया कि भूकंप की वजह से अब तक कम से कम 296 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 153 घायल हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप का केंद्र पर्यटन के लिए मशहूर मोरक्को शहर से 71 किलोमीटर दूर
दक्षिण पश्चिम में 18.5 किलोमीटर की गहराई में रहा। यहां झटके स्थानीय समयानुसार देर रात करीब 11:11 पर महसूस किए गए। कुछ देर बाद ही इन जगहों पर भूकंप के आफ्टर शॉक भी महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 4.9 मापी गई है। सनातन धर्म को लेकर डीएमके सांसद ए राजा की टिप्पणी के बाद मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में वहां के चर्चित अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के द्वारा एक याचिका दायर की गई है, जिसमें डीएमके सांसद ए राजा और कांग्रेस नेता एवं कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ने अपने याचिका में कहा कि सनातन पर साजिश के तहत अभियुक्तगण टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं न्यायालय ने अधिवक्ता सुधीर कुमार की याचिका को स्वीकार कर लिया है और इस पर सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की है। अरब सागर में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं की इकाइयों ने साजो सामान के साथ अपने युद्ध कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। यह अभ्यास 3 दिनों तक चला। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 23 के 21वें संस्करण का यह दूसरा चरण था, जिसमें दोनों देशों से निर्देशित मिसाइलें, टैंकर, समुद्री गश्ती विमान और हेलीकॉप्टर की भागीदारी रही। 3 दिनों तक चले इस संयुक्त अभियान में सामरिक युद्धा अभ्यास जैसी कार्रवाई प्रदर्शित की गई। दोनों नौसेनाओं की इकाई ने अपने युद्ध कौशल को बढ़ाने, निखारने और स्थिरता को बढ़ावा देने की क्षमता का प्रदर्शन किया। पिछले 2 हफ्ते से लगातार कम हो रहे भारतीय खजाना 1 सितंबर को समाप्त सप्ताह में बढ़ा है। रिजर्व बैंक के अनुसार 1 सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.039 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 598.897 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। बता दें कि अक्टूबर 2021 में देश की विदेशी मुद्रा भंडार 645 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर थी, लेकिन इसके बाद आरबीआई ने ग्लोबल स्तर पर रुपए को गिरने से बचाने के लिए विदेशी भंडार को खर्च किया था, जिसके कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ था। अब एक बार फिर इसमें तेजी देखने को मिल रही है।